जल, जंगल और ज़मीन, और इसी के साथ हवा। इन चार चीज़ों पर आधारित है लोगों की ज़िंदगी। आज हम बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड के लाल कुआं और बिंदु खत्ता की। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह जो कंपनी है, यह सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल है। यह कंपनी 80 में यहाँ स्थापित हुई और सन 84 में यह एशिया के सबसे बड़े कागज़ उद्योग के रूप में शुरू हुई। इसी कंपनी में 10,000 लोगों को रोज़गार मिला, और 10,000 लोगों को रोज़गार के साथ साथ यहाँ की जो आबादी है बिंदु खत्ता और लाल कुआ की, 1,00,000 आबादी को इसके बदले में बीमारियाँ मिली। जी हाँ, हम आपको दिखाएंगे। मैं दी संडे पोस्ट से आकाश नागर, और मेरे साथ हमारी सहकर्मी मनीषा नागर, बिंदु खत्ता और लाल कुआ के लोगों की जुबानी, उनकी प्रदूषण की कहानी कि किस तरीके से इस कंपनी ने, सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल्क ने, यहाँ से जो प्रदूषित पानी है, जो प्रदूषित हवा है, वो इन लोगों को सौगात में दिया है, गिफ्ट में दिया है। उस गिफ्ट में उनको कई बीमारियां मिल रही है। उनको हार्ट की बीमारी है, उनको दमे की बीमारी है, उनको कैंसर की बीमारी है, उनको पीलिया की बीमारी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी दावे नहीं करती है। कंपनी दावे करती है कि उसका पानी भी स्वच्छ है और उसकी हवा भी स्वच्छ है। लेकिन अगर पानी स्वच्छ होता और हवा स्वच्छ होती तो आज ये लोग इसकी मार से न मरते। पिछले तीन महीने में 6 लोग कैंसर की बीमारी से यहाँ मर चुके हैं। इस कंपनी के आसपास यानी 1 किलोमीटर के क्षेत्र में 6 लोग मरने से पूरा तहलका मचा हुआ है उत्तराखंड में और पूरे देश में, और यहाँ राजनेताओं को बड़े सुख से नींद आ रही है। क्यों नींद आ रही है? क्योंकि राजनेता आते हैं और मैनेज होकर चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ आंदोलन नहीं हुए। इस कंपनी को लेकर आज तक 4 बार आंदोलन हुए, लेकिन उसके बाद रहस्यमय तरीके से आंदोलन मैनेज कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह कंपनी दावा करती है कि हम 1,000,000 लोगों को रोजगार देते हैं, और उसी के साथ साथ हम यहाँ का जो विकास कार्य है वो करते हैं, लेकिन उस विकास की जो आईना जो आप दिखाएंगे, ये कंपनी दिखाती है, उसका सच भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ विकास नहीं, विनाश हो रहा है। यहाँ के लोग खुद इस बात को कह रहे हैं कि यह कंपनी हमारे लिए जानलेवा साबित हो चुकी है। तो ये सेंचुरी जो है, इससे आपको क्या क्या प्रभावित हो रहा है, और किस तरीके से यहाँ नई नई बीमारियाँ हो रही है, और स्वास्थ्य के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो कैंसर फैल रहा है, ये पेपर मिल के वजह से हो रहा है पूरा, और यहाँ के पूरा प्रदूषण जो आता है, हमारे घर भर जा रहे हैं इससे, मतलब पूरा ही घर छत भर जा रहे हैं, अंदर आ रहा है पूरा, छोटे छोटे बच्चे हैं सर पर आ रहा है उनका, और हम इससे परेशान हो गए। यहाँ दवाई खा के बहुत, ये भी डेथ हो गई है, तो इनका क्या कारण था? इनको बीमारी थी क्या? नहीं, बीमारी नहीं थी, ये प्रदूषण के कारण जो है लंबा 1.5-2 साल में जो है स्वास्थ्य खराब हुआ, उसके बाद इलाज चला नहीं बचा पाए, इनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण एक्सपायर हो गए हैं ये। तो क्या मतलब इस सेंचुरी से आपको क्या प्रभावित हो रहा है, जिस वजह से ये बीमारी हुई थी और आज ये आपके बीच नहीं है, तो आप क्या कहना चाहेंगे सेंचुरी के लिए? सेंचुरी के लिए ये कहना चाहेंगे, इसका जो पानी है बहुत प्रदूषण है, इसमें ये पीने योग्य नहीं है। इसका जो है हैंडपम्प में आने लग गया है सारा पानी, और इस लाइन में हमारे बेल्ट में लगभग कई लोगों को कई बीमारियां हो गई। यह घर सेंचुरी पल्प एंड पेपर कंपनी के बिल्कुल जस्ट पास में है, जो कि अभी बिल्कुल नया बनाया है। जो इस घर के मालिक है, उन्होंने इस घर में बसने से पहले ही यहाँ से निकलने का विचार अपने मन में लाए हैं। क्यों?
क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं ये फर्श, ये अभी अभी नया बना है, इसकी रोज़ सफाई होती है, लेकिन उसके बाद भी देखिए आप किस तरीके से यहाँ ये गंदगी है, जो कि इसको कौन प्रदूषित करता है? पेपर मिल। कि यहाँ पानी बिल्कुल स्वच्छ करके निकालते हैं, ईटीपी के द्वारा हम इसको बिल्कुल स्वच्छ पानी निकालते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कितना गंदा पानी यहाँ गिर रहा है, ये नाले में जा रहा है, खुले नाले में, और इसकी जो भाप आ रही है उस भाप से भी मुझसे बहुत बुरी हालत, मुझसे सांस नहीं ली जा रही है, उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। आप देख रहे हैं ये झाग, जिस तरीके से एक कहावत है, हाथी का दांत खाने के खाने के ओर, वो यह दिखाने के दांत हैं, वो खाने के दांत हैं, जो अभी आपने देखा पहले दिखाया, जहां मेरा सांस लेना दुर्भर हो गया था, मुझसे सांस नहीं ली जा रही थी, इतनी बुरी बदबू और स्टीम भाप आ रही थी, वहां खड़ा होना दुर्भर हो रहा था। तो वो उससे जो भाप निकलती है, जो प्रदूषित पानी जाता है, उससे कितना जनजीवन प्रभावित हो रहा है, वो असली रूप है सेंचुरी का। लेकिन अभी हम आपको दूसरा रूप दिखाएंगे, ये नाला, यह सेंचुरी की दीवार है, सेंचुरी पल्प, और इसमें से जो पानी निकल रहा है, ये कोई भी एनजीटी या कोई भी संस्थान इनके यहाँ निरीक्षण करने आता है, पानी प्रदूषित की जो प्लांट हो जाती है, और उसके बाद निरीक्षण करने का कोई अधिकारी यहाँ आता है, उसको यहाँ से पानी खोल दिखा दिया जाता है, यहाँ से स्वच्छ पानी निकालते हैं ईटीपी के जरिए, उस पानी को स्वच्छ और निर्मल करने के बाद यहाँ से निकालते हैं, और ये पानी उस नाले में गिरता हुआ दिखाते हैं और कहते हैं कि हमारा पानी स्वच्छ और निर्मल जा रहा है। तो ये जो सेंचुरी का घोड़ा नाला है, इससे आप किस तरीके से प्रभावित है और आप समाधान क्या चाहते हैं? हम यहाँ, हम ही नहीं, पूरी जनता यहाँ की, जो भी नाले के आसपास हैं 100 गज 200 गज के दायरे में, सभी लोग प्रभावित हैं। हमारा ये समाधान ये है कि पेपर मिल से हमें यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको नाले को अंडरग्राउंड कर दो, क्योंकि इसमें एक तो लोग क्या करें, जो मरे हुए पशु हैं उनको भी डाल दे रहे हैं, और गंदगी इसमें आ रही है, पानी का जो ये है ख़राब हो रहा है, आदमी गिर रहे हैं, मर रहे हैं। अभी हाल ही में जो है, एक करीब 15-20 दिन पहले एक व्यक्ति यहाँ पर डूब के मर, यहाँ से गिरा और मर गया उसमें, और कैंसर के जो पेशेंट हैं सबसे ज़्यादा हमारे घोड़े नाले में हैं। यहाँ पर पानी के स्रोत थे, मगर ये फैक्ट्री की वजह से सारा जो है पानी गंदा हो गया है। तो हमारा फैक्ट्री से अनुरोध है कि आप इसको अंडरग्राउंड कर दीजिए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए आपकी फैक्ट्री से। वैसे तो नियम के मुताबिक जो है, जब भी कभी कोई फैक्ट्री इस्टेब्लिश होती है तो 2-3 किलोमीटर के एरिया में कम से कम उनका स्कूल का, मेडिकल का, गांव वालों को जो भी सुविधा है वो देनी चाहिए, नौकरी से लेकर। यहाँ पर हमारे बिंदु खत्ते का केवल 1% व्यक्ति जो है फैक्ट्री में काम कर रहा है। फैक्ट्री वाले कभी धमकी देते हैं कि हम बंद कर देंगे, आप बंद कर दोगे हमारा 1% आदमी प्रभावित होगा, बाकी तो यूपी बिहार और पूरे ऑल इंडिया के आदमी हैं यहाँ पर 99%। हमारा बिंदु खत्ता जो कि हम लोगों के लिए ये फैक्ट्री नारायण दत्त तिवारी जी ने खोली थी, हमारा 1% व्यक्ति यहाँ पर नौकरी कर रहा है, और वो भी जो है डेली बेस में। आप हैं हर्ष बिस्ट, आइए हर्ष बिस्ट से मिलते हैं। वो हर्ष बिस्ट जो सेंचुरी के उस प्रदूषित कंपनी से जो घोड़ा नाला है वो बिंदु खत्ता के लिए प्रदूषित कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो ये हर्ष बिस्ट उनके लिए आंदोलन कर रहे हैं। सेंचुरी से हो रहे भयंकर प्रदूषण के खिलाफ एक आंदोलन कर रहे हैं, और हम जैसा कि हवा और पानी का पर जो सेंचुरी ने हमारा प्रदूषित कर दिया है, जो हवा और पानी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण आधार है जीवन जीने का, और उसी को सेंचुरी ने बर्बाद कर दिया है। हमारे क्षेत्र का भूमिगत जल पूरी तरीके से सेंचुरी के बहते हुए केमिकल युक्त नाले से तबाह हो चुका है, जिस कारण हम लोग इस प्रदूषित पानी को पीने को भी मजबूर हैं। हम चाहते हैं, हम ऐसी मांग करते हैं कि सेंचुरी तात्काल इस नाले का पाइपीकरण कर इस बड़ी गंभीर समस्या से और भूमिगत जल के को प्रदूषण से बचाने के लिए ठोस कदम उठाए और इस पानी को पाइपीकरण के माध्यम से क्षेत्र से बाहर निकाले। और हम साथ ही ये भी लगातार, जैसा कि क्षेत्र में इस प्रदूषण और प्रदूषित पानी और हवा के कारण गंभीर बीमारियां, लाइलाज असाध्य रोग हो रहे हैं, जिनमें कैंसर
एक आम बीमारी हो चुकी है। एलर्जी 90% लोगों को यहाँ एलर्जी है। पीलिया प्रसव होने से पूर्व ही बच्चे पीलियाग्रस्त पैदा हो रहे हैं, जो अभी एक बड़ा कारण है। और उसी के साथ दमा अस्थमा, बहुत छोटे छोटे बच्चों को दमा अस्थमा के लक्षण हैं। तो डॉक्टरों की मेडिकल रिपोर्टों के अनुसार उनका सीधा सा मानना है कि भाई आप प्रदूषण क्षेत्र में रहते हैं, उस क्षेत्र को छोड़िए, तब आपका जीवन बचेगा। हम जीवन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम इस जीवन बचाने की लड़ाई में और लोगों की भी जीवन बचाने के लिए आगे आए। हम लोग आंदोलन चला रहे हैं पिछले 6 माह से लगातार। इस आंदोलन को इस बात के लेकर हमारी 4 मांगे डिमांड है, मुख्य रूप से 4-5 मांगे हैं। सबसे पहला तो ये है कि अपने ध्वनि और जो ये वायु प्रदूषण है इस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि वायु प्रदूषण का हालात इस समय ये है, अगर हम अपने घरों के बाहर कपड़े अगर सुखाते हैं तो उन पर जो कोयले की राख और जो इनकी सल्फर और उसकी जो राख उड़ती है वो कपड़ों के रंगों को बेरंग कर देती है। अगर डार्क रंग के कपड़े हैं तो उनमें दाग उसके साफ नज़र आते हैं। हमारे छतों के अंदर और घरों के अंदर भी इनकी काली राख जो है वो अंदर रहती है। वायु प्रदूषण का हालात ये है, उससे हमारे को यहाँ दमा जैसी तमाम श्वास की बीमारियाँ पैदा हो गई हैं। पानी के हालात आप देख रहे हैं, ये बगल में नाला बह रहा है, इस नाले का पानी हमारे यहाँ हैंडपम्प से आ रहा है, क्योंकि हमारे वहाँ इस क्षेत्र का जो पानी का पीने का स्रोत है वो भूमिगत जल स्रोत है और वो हम अपने हैंडपम्पों के माध्यम से पानी पीते हैं। हमारी इनसे डिमांड है इस नाले को ये पाइपीकरण कर बाहर करें और अंदर से हमें शुद्ध पेयजल पाइप पानी की लाइन उपलब्ध कराए। मैं पानी जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण के संबंध में बस ये कहना चाहूँगी कि यहाँ का ये पेपर पल्स मिल की वजह से यहाँ का पानी बहुत ही दूषित है और वायु भी बहुत ज़्यादा दूषित है, जिससे मतलब पानी पीने में कोई स्वाद नहीं है और लीवर संबंधी बीमारियाँ और पीलिया और इस टाइप की बीमारियाँ हो रही हैं। साथ ही जो है हवा में जो है हवा स्मेल वाली है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। ये भी सेंचुरी के उस प्रदूषण से प्रभावित है, जैसा कि आपने देखा अभी बहुत सारे लोग उस परेशानी से जूझ रहे हैं, तो उसी आंदोलन के लिए ये भी उसमें सहायता कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? और देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ और इस क्षेत्र का रहने वाला हूँ, निवासी यहीं का हूँ और मेरा कार्यालय भी ललकुआ में है। जब मैं कार्यालय जाता हूँ तो सेंचुरी की काली राख जो पूरे हमारे ऑफिस के अंदर भर चुकी है, हमारे नथुनों में चली जाती है, हमारे सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हमारे सामने आई तो हमने इसको सोशल मीडिया के थ्रू इसको हमने आंदोलन किया और समाज में जागृति आई और लोग खड़े हुए और एक आंदोलन का स्वरूप बन चुका है यहाँ पे। और सारे लोग जो प्रभावित हैं जल प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से और ध्वनि प्रदूषण हुई किसानी और ज़मीन के पर हम जब घूम रहे थे तो हमने देखा वहाँ पर हमें किसान मिले, तो हमने उनसे बात की, उनसे पूछा कि आपको इस घोड़े नाले से कितना नुकसान होता है, कितना फ़ायदा होता है। फ़ायदा सिर्फ नाले से नहीं, सेंचुरी पेपर एंड पल्प मिल जो दावा करती है कि हम किसानों के लिए गोष्ठियां आयोजित करते हैं, हम किसानों के लिए कई योजनाएं लेकर आते हैं, हम उनको जागरूक करते हैं और उनकी फसलों को आगे बढ़ाते हैं, उनकी वृद्धि करते हैं, उनकी आर्थिक आय में बढ़ोतरी करते हैं। हम खुद पूछ रहे हैं यहाँ के किसान श्री पनीराम आर्य नाले के बिल्कुल पास में अपनी खेती बाड़ी करते हैं अपने परिवार के साथ, और बताएंगे कि क्या फायदे हैं इस घोड़े नाले के पास। इतना फायदे कहाँ, इतना नुकसान ही नुकसान है, जो कि हमारी जमीन बह जा रही है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये नल यहाँ लगा हुआ है। तो हम दी संडे पोस्ट टीम जब घूम रही थी, निरीक्षण कर रही थी, पड़ताल कर रही थी, तो हमने देखा ये टूटा फूटा नल है। इसके बारे में हमने पता किया कि पिछले 36 सालों में जब से सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल यहाँ स्थापित हुई है तब से सिर्फ 6 हैंडपम्प मिल ने ऐसे ही लगाए हैं। मीन्स 6 साल में 1 हैंडपम्प और 6 साल में 1 हैंडपम्प लगाने का जो आप उदाहरण देखेंगे वो ये देखेंगे कि वो बंद हालत में है और उनसे लोगों को कितना स्वच्छ पानी मिल रहा है। हम लोगों से बात करेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा महेश पांडे सर। महेश पांडे जी, बताइए ये नल है क्या है? ये कहने में तो नल है सर, दिखने में भी नल सर दिख नहीं रहा है, लेकिन कहने में इसको नल कह सकते हैं। ये जब सेंचुरी ने लगाया इसमें सिर्फ 1 महीना पानी आया, भी गंदा पानी साहब, लाल पानी, जहरीला पानी, उसके बाद से बंद हो गया। और जहाँ जहाँ पर भी ये नल इन्होंने लगा रखे हैं, नल की हालत भी देख रहे हैं आप, लेकिन अपना छज्जा इन्होंने ज़रूर लगा रखा है सेंचुरी पल्प एंड पेपर के नाम से, लेकिन सब जितने भी हैंडपम्प लगा रखे सबकी यही स्थिति है, किसी में कोई इसमें तो बंद पड़े हैं। इनमें जब भी इन्होंने लगाने के 1 महीने तक इसमें गंदा पानी आया, उसके बाद
तो आइए हम मिलते हैं गोपाल मेहरोत्रा जी से और उनसे पूछते हैं कि जो प्रदूषण से जो प्रभावित है करीब 1 लाख आबादी, उनके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, ये मैंने पहले भी ऑब्जर्व किया है कि वहाँ से जो जो ट्रीटेड वाटर निकलता है वो उसमें झाग और उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि बहा दिया जाता है, जिसको ट्रीटमेंट के लिए मैंने भी उनसे कहा था कि इसको अगर आप कहते हैं कि खेती के लिए उपयोगी है तो उसको पहले अपने यहाँ यूज़ करना चाहिए। उन्होंने अपने एग्रीकल्चर जो भी वो कर रहे हैं फ्लोरिकल्चर और उसके अंदर, और उसके बाद लोगों को कन्विंस करना चाहिए कि भाई इससे कोई नुकसान नहीं है। अदरवाइज़ अगर आप देखें तो उसमें स्मेल्स की वजह से सारा इलाका परेशान, आज से नहीं पिछले 20 सालों से मैं देखता आ रहा हूँ कि सारी जनता वहाँ परेशान है, जिसमें झाग निकलते हैं, जानवर के पीने योग्य पानी नहीं होता और ना ही वो खेती के योग्य है, उसको बिना ट्रीटमेंट के ये बहा दिया जाता है, जो कि रोका जाना चाहिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। मेहरोत्रा जी, घोड़ा नाला में जो पानी प्रदूषित करके ये बहाते हैं, वहाँ हमने रिपोर्टिंग की तो वहाँ 1 मिनट भी हमसे नहीं खड़ा हुआ गया, मतलब इतना सांस लेने में इतनी कठिनाई हो रही थी और लग रहा था कि ये पूरे हमारे गले को बंद कर देगा, प्राणों को बंद कर देगा। तो ऐसे उसके आसपास जो लोग रह रहे हैं उनका जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है और वो प्रभावित है इस प्रदूषण से, तो उसके बारे में आप क्या कहें? हाँ, ये लंबे समय से लोगों को मैं देख रहा हूँ, वहाँ डिमांड थी उनकी पहले भी कि भाई इसकी स्मेल से सारा हम सो नहीं पाते हैं, सारा 24 घंटे उसकी स्मेल, पित्त की जो इनका वॉश करी हुई होती है उस पानी की वजह से उसमें झाग बने रहते हैं, हमारे जानवरों की तबीयत ख़राब हो रही है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो लोगों का कहना था। बट उसके बाद मैं इधर तो नहीं उतना जा पा रहा हूँ, लेकिन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसमें एक्शन लेना चाहिए और जब तक वाटर ट्रीट किया हुआ नहीं बाहर आए तब तक उसको अलाउ नहीं करना चाहिए। दी संडे पोस्ट ने लोगों से बातचीत की, पूरा सर्वे किया और हर किसी से उनके मन की बात कही, पॉल्यूशन को लेकर, एयर पॉल्यूशन को लेकर, वाटर पॉल्यूशन को लेकर। अब उन्हीं सवालों से हम उन्हीं सवालों के जवाब जगमोहन उप्रेती जी से चाहते हैं, तो आप जगमोहन उप्रेती जी से बात करेंगे। जी, हम कई दिन से सर्वे कर रहे हैं क्षेत्र में, खासकर घोड़ा नाला, लाल कुआ और ये पूरा क्षेत्र जो है, इसमें काफ़ी लोगों की शिकायतें मिल रही हैं कि यहाँ एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है और कैंसर की बीमारी हो रही है। उसके लिए आपकी जो सेंचुरी पेपर मिल का जो प्रदूषण है उसको लोग दोषी बता रहे हैं। सेंचुरी पल्प एंड पेपर जो है पर्यावरण के लिए विशेष सक्रिय है। सेंचुरी पल्प एंड पेपर ने 2012 से 2018 तक 150 करोड़ रुपया खाली पर्यावरण के संयंत्रों के लिए लगाया है। सेंचुरी पल्प एंड पेपर अपना जो भी पानी निस्तारित करता है वो मानकों के अनुरूप करता है। सेंचुरी पल्प एंड पेपर से जो पानी डिस्चार्ज होता है वहाँ पर CPCB की ऑनलाइन मॉनिटरिंग है और सेंचुरी पल्प एंड पेपर अपने जो निकटवर्ती क्षेत्र हैं जैसे घोड़ा नाला, इधर जो है इस क्षेत्र में इंडिया मार का हैंडपम्प लगाए हैं और आगे भी लगाने जा रही है। 3 अति गरीब लोगों को आवास, मुफ्त आवास उनको प्रदान किया है और करीब 50 शौचालय हमने पिछले वर्ष बनाए और इस वर्ष भी इतने ही शौचालय स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाने का विचार है। सेंचुरी पल्प एंड पेपर समय समय पर निःशुल्क मेगा कैंप लगाती है ताकि जनता के स्वास्थ्य के लिए जागरूकता रहे और उनके स्वास्थ्य का ध्यान में रखते हुए। सेंचुरी पल्प एंड पेपर ने इस बरसात के सीजन में अपने निकटवर्ती क्षेत्र जैसे बंगाली कॉलोनी, हाथीकाना, ये आपका नगीना कॉलोनी, घोड़ा नाला, वार्ड नंबर 5 में इसमें कंटिन्यूस फॉगिंग करी है और कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया है। सेंचुरी पल्प एंड पेपर प्रत्येक माह 10 गरीब निर्धन परिवारों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराती है। उप्रेति जी, हमने देखा है, हम कई दिन से सर्वे कर रहे हैं कि जो आपने क्षेत्र में विकास कार्य कराए हैं उनमें
हैडपम्प भी लगवाए हैं और हैडपम्प हमने खुद देखा है कि हैडपम्प बिल्कुल बंद है, वो चल नहीं रहे हैं। बताते हैं कि पूरे पिछले 36 साल में आपने 6 हैडपम्प लगवाए हैं जिनमें 4 हैडपम्प ख़राब है। नहीं, हमने 10 हैंडपम्प लगाए हैं। एक हैंडपम्प हमारा जो उसको लोग यूज़ नहीं कर रहे थे वो हमने बंद किया और वहीं पर एक स्कूल है जिसमें कि प्राइमरी और जूनियर दोनों स्कूल हैं, वहाँ पर कम से कम 500-600 बच्चे उसी इंडिया मार्ग हैंडपम्प का पानी पी रहे हैं। उप्रेती जी, जो घोड़ा नाला है उसके बारे में बताया जाता है कि वो उनके लिए टेपर के लिए, पाइपलाइन के लिए लोग काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे हैं और पीछे लोगों ने आंदोलन भी किया, धरना प्रदर्शन भी किया, उस घोड़ा नाला से प्रभावित हुए हैं, वो बीमारियों का प्रकोप हुआ है उस क्षेत्र में, कैंसर की बीमारी आई है और पीलिया की बीमारी और जो एलर्जी की बीमारी, और एक लड़की है वो क्या नाम था उसका, अभी पीछे एक्सपायर हुई, उसके लोगों के परिवार ने हमें दिखाया लिख के कि कामना के परिवार ने दिखाया कि हॉस्पिटल ने, सुशीला तिवारी हॉस्पिटल ने लिख कर दिया कि ये जल जनित बीमारी से एक्सपायर हुई है। तो घोड़ा नाला ने जो क्षेत्र में जो भूमिगत वाटर को जो ख़राब किया है उसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं? सर, हमारा जो पानी कारखाने से निस्तारित होता है वह निर्धारित मानकों के अनुरूप होता है, वो पानी पीने योग्य नहीं है, लेकिन वो पानी सिंचाई और उसके लिए योग्य है। ये आप सिंचाई की बात कर रहे हैं तो हमने किसानों से बात करी है, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया कि हमारी सिंचाई इससे नहीं हो रही है, इस पानी से, क्योंकि इसकी सिंचाई करते हैं तो हमारी खेती बर्बाद हो जाती है। सर, ये पानी अगर ख़राब है तो शांतिपुरी में इस नाले पर जो है सैकड़ों मगरमच्छ पल रहे हैं और मछलियाँ भी हैं वहाँ, और जहाँ तक घोड़ा नाला को अंडरग्राउंड करने का है, ये क्षेत्र हमारे नियंत्रण में नहीं है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सरकार से अगर कोई अगर ऐसा हमें परमिशन मिलती है तो हम उसको चरणबद्ध तरीके से, क्षेत्र ही नहीं है, घोड़ा नाला भी आपका नहीं है। बताते हैं कि घोड़ा नाला भी आपने जबरन कब्जा कर रखा है, उसमें पानी अपना डाल रखा है, जबकि आपको अधिकार नहीं है कि उसमें अपना पानी चला सके। घोड़ा नाला में जो नाला है ये हमको जो है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने हमें इसमें अनुमति दी है पानी निस्तारित करने की। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से ध्यान आया कि NGT ने आप पे 30 लाख का जो जुर्माना किया था, उस जुर्माने को कहा था कि क्षेत्र में आप 30 लाख रुपए लगाएंगे पॉल्यूशन प्रभावित क्षेत्र में, तो उस 30 लाख का क्या किया? 30 लाख से भी हमने ज़्यादा पैसा निवेश कर लिया। हमने कहाँ का निवेश? कोई इंडिया मार्ग का हैंडपम्प और आवास, निःशुल्क राशन का वितरण इत्यादि। ये हैंडमार्क कहाँ लगाया? घोड़ा नाला क्षेत्र में। पहले आप बता रहे थे 10 लगे हैं पूरे 36 साल में, तो अब कितने लगे? 10 और लगाने का हमारा और विचार है। मतलब अभी लगे नहीं है, मतलब जो 32-30 लाख रुपए है वो NGT ने जो आप पर जुर्माना लगाया है वो अभी लगा नहीं है? सर, वो 32-30 लाख तो हमने लगा दिया है और हमारा आगे भी जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करने का है। अभी जो स्थानीय लोग हैं वो अपनी भूमि को चयनित करेंगे कि ये हमारे यहाँ जो हैंडपम्प लगेगा वो उससे कुछ 10-15-20 परिवार भी लाभान्वित होने चाहिए, वो व्यक्ति हमें जैसी भूमि प्रदान करेगा हम जो है उसको हैंडपम्प लगा देंगे।